अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ नेल पेंट के बहुत ही खूबसूरत से कलर्स जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं। ये मेरी पर्सनल कलेक्शन है और ये बहुत ही प्यारे से कलर्स हैं। अगर आप ब्राइड टू भी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, अगर आप सिंगल हैं भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब कि ये ऐसे कलर्स हैं जो कि आपके पास मस्ट होने चाहिए, और वो लड़कियाँ जिनको नेल पेंट बहुत पसंद है तो वो ये कलर्स बाय कर सकती हैं। और ये ऐसे कलर्स हैं जो कि आजकल काफ़ी इन है, लाइट में भी हैं, डार्क में भी है, तो मैं आपको दोनों तरह के दिखा देती हूँ। और ये भी मैं आपको बताती चाहूँगी कि आपके पास कौन से कलर्स मस्ट होने चाहिए और कौन से कलर्स को आप इग्नोर कर दें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये जो मैंने लगाई हुई है नेल पेंट, ये आप लोग देख लें। बेसिकली जो लाइट कलर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गर्ल्स को डार्क भी पसंद होते हैं, तो मेरे पास दोनों टाइप की कलेक्शन है, तो मैं आपको दोनों टाइप की दिखा देती हूँ। अच्छा, जो सबसे पहले मैंने नेल पेंट लगाई हुई है ये है जी रिवाज यूके की, और इसका जो नंबर है वो है 15। बहुत प्यारा कलर है ये, और इसका जो स्वेचेस जहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं ये है, फर्स्ट वाला है इसका ये है, और ये वाला कलर बहुत अच्छा है, ये आपके पास मस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है वो है ये कैलासोना। कैलासोना बेसिकली बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपको नेल पेंट लेने हैं तो इस कंपनी के 100% रिकमेंडेड है, तो इसके आप लोग ले सकते हैं और इसके कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये कलर तो आप लोग लाजमी लें। इसका नंबर है 234, इसके यहाँ पर लगा हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पर डार्क लग रहा है, मैंने इसको 2-3 दफ़ा इसके कोट दिए हैं, इसी वजह से ये डार्क लग रहा है काफ़ी, लेकिन अगर आप इसका एक कोट लगाएं तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और इसका है 269 है नंबर, वो भी आप लोग अपने पास मस्ट रखें, वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है अब, और उसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये और वो, ये दोनों आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कैलासोना अगेन, ये है जी डार्क पिंक कलर में है, ये भी बहुत अच्छा है, प्यारा सा जो पिंक होता है ना वो कलर है ये, इसके यहाँ पे मैंने लगाया। और ये जो ब्राइड्स होती हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप ब्राइड टू भी हैं तो ये आप अपने पास लाजमी रखें। इसका जो नंबर है वो है, इसका नंबर नहीं लिखा हुआ, ये है 250 इसका नंबर है। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद अगेन कैलासोना है, ये है इसका, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये देखें इन दोनों में फ़र्क है, काफ़ी सारा फ़र्क है, और ये दोनों कलर अपनी अपनी जगह पे बहुत प्यारे हैं। और इसका जो नंबर है वो है 220, ठीक है, इसका नंबर है 220, ये भी आप अपने पास लाजमी रखें। और इसका जो है ना ये है, ये देखें इस तरह का ये कलर है, ये भी बहुत प्यारा लगता है लगाने में, और ये ब्राइड्स के लिए भी बहुत अच्छा कलर है। उसके बाद है मेडोरा का, ये है मेडोरा का नेल पेंट, ये भी बहुत प्यारे होते हैं, इसके कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसका ये मसला होता है कि इसके कलर्स में थोड़ी सी शाइनिंग होती है, तो जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से फिर मैं मेडोरा के जो नेल पेंट्स हैं वो काफ़ी कम लेती हूँ और कैलासोना के ज़्यादा लेती हूँ। ठीक है, इसका वैसे इसका कलर बहुत अच्छा है, इसमें भी थोड़ी सी शाइन है इस कलर में भी। इसका जो नंबर है, इसका नंबर नहीं लिखा हुआ मेरा ख्याल है, हाँ इसका नहीं लिखा हुआ। और इसका जो ये है, इसके स्वेच, ये देख लें आप लोग, इसका ये वाला कलर है। उसके बाद जो आजकल काफ़ी इन है भाई, जो जिसको हम मट्टी वाला कलर कहते हैं, काफ़ी आजकल इन है, इसमें मैंने दो शेड लिए हुए हैं, 2-3 है बल्कि मेरे पास, मैं आपको सारे दिखा देती हूँ। ये है सिली की है 18, और इसका जो, इसका भी नंबर नहीं है, ये नीचे 20 लिखा हुआ है, पता नहीं यही इसका नंबर हो शायद। उसके बाद इसका जो है ना स्वेच, ये है, ये लगा हुआ है ये लास्ट में, ये बहुत प्यारा कलर है, ये आप अपने पास लाजमी रखें, ये लगाने में बहुत अच्छा लगता है कलर, और आजकल काफ़ी इन है ये कलर। ठीक है, और इसका ये आप लोग चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना अगेन मेरे पास है, इस ब्रांड का नाम मुझे नहीं शो हो रहा, इसका जो नंबर है वो 99 है। ठीक है, ये है नेल पेंट लॉन्ग लास्टिंग, इसका जो है वो ये मैंने स्वेच यहाँ पे लगाया हुआ है, ये भी वही कलर है जो आजकल काफ़ी इन है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ले सकते हो। अच्छा सॉरी, जो सिली का नंबर था वो यहाँ लिखा हुआ है, ये है 03 इसका नंबर है, जो मैंने आपको पहले दिखाई है यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ये कॉस्मी की, ये है, ये बहुत प्यारा कलर है, ये देखिए ये पर्पल भी इसमें टच आ रहा है और थोड़ा सा पिंक का भी आ रहा है, और ये लगाने में बहुत अच्छा लगता है। ये कलर भी आपके पास मस्ट होना चाहिए, आप लोग अपने ड्रेस के साथ मैच करके लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। और ये है जी 139 इसका नंबर है, और ये यहाँ पे इसका स्वेच आप लोग चेक कर लें।
ये इस तरह का शेड आपको देगा, बहुत ही प्यारा इसका शेड है, ठीक है। और उसके बाद है पील ऑफ नेल पेंट है, आजकल काफ़ी इन है पील ऑफ नेल पेंट भी, आप लोगों को रिमूवर अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको लगाएं, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, फिर आप आसानी से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका नंबर है कॉस्मिक की है, ये भी पील ऑफ है, 45 इसका नंबर है। और इसका ये यहाँ पर मैंने स्वेचेस यहाँ पर इसके लगाए हुए, ये है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डार्क नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने दो तीन कोट दिए, लेकिन अगर आप इसको लाइट थोड़ा करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा, एक कोट के साथ आप इसको लाइट कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे इसी वजह से डार्क किया ताकि आप लोगों को कलर का इजीली पता चल सके, ठीक है। उसके बाद ये है ट्रेंड की नेल पॉलिश है, और इसका नंबर ये है 27 इसका कलर है, ठीक है। ये इसका स्वेच है, ये वाला कलर भी काफ़ी इन है आजकल, ये भी आप लोग अपने पास रख सकती हैं अगर आपको ये लाइट कलर अच्छे लगते हैं, क्योंकि लाइट कलर लगाने में बहुत प्यारे लगते हैं, तो लाइट कलर में ये वाला कलर आप अपने पास लाजमी रखें। उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक आप लोगों की अपनी चॉइस है, ये मैंने रखी हुई है, तो ब्लैक तो आप लोग किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, कुछ लड़कियों को ब्लैक पसंद है, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक का वो स्वेचेस भी लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ये डार्क ब्राउन कलर में, ये है जी 60 इसका नंबर है, 62nd सॉरी ये ब्रांड है, और इसका जो नंबर है वो है 37, ठीक है, 37 इसका नंबर है। और इसके ये स्वेचेस हैं, ये डार्क ब्राउन और जो कलेजी कलर जिस तरह का होता है ना, ये वो वाला कलर है, और ये लगाने में भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके हाथों का कलर फेयर है ना तो इसको लगाएं, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही वाइट से आपके हैंड्स लगते हैं ये कलर लगाने से, ठीक है। अब वैसे नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो ये भी आप लोग जो है ना इजीली ले सकते हो अगर आपको डार्क कलर अच्छे लगते हैं तो। उसके बाद जो रेड है मोस्ट फेवरेट, ये है ग्लैमरस का रेड, जो हम चाहते हैं ना कि प्योर वाला रेड कलर हो हमारे पास, ये वो वाला कलर है, प्यारा वाला जो रेड होता है ना वही कलर है, इसको तो आप लोग लाजमी लो, जो ब्राइड्स हैं वो भी इसको लाजमी लें। ग्लैमरस का है, इसका नंबर पता नहीं लिखा हुआ, इसका नंबर मतलब ये 19 शायद इसका नंबर हो, मुझे नहीं कंफर्म, तो ये ग्लैमरस के आप लोग ना ये लाजमी अपने पास रखें। और इसका जो ये देखें, ये जो प्योर और ख़ूबसूरत वाला रेड होता है ना, ये वही कलर है, यहाँ पे आपको शायद क्लियर ना नज़र आ रहा हो लेकिन ये बहुत प्यारा रेड है, तो इसको भी आप लोग अपने पास लाजमी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है वाइट कलर है, वाइट में अपने पास रखती हूँ कभी कभी जो है ना, ये दो, एक ट्रांसपेरेंट और एक वाइट, जो कि ये भी आजकल क्योंकि हम लोग लगाते हो कि नेल्स के ऊपर वाली साइड भी हम लोग वाइट कलर लगाते हैं और फिर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लगा देते हैं, तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये भी आप लोग ले सकते हो। ये मेडोरा की है वाइट, और ये जो है ना ये मैंने वैसे ही ले ली थी, इसके ऊपर कोई नाम नहीं है किसी ब्रांड का, ना कोई नंबर है, ट्रांसपेरेंट ही है, तो ये भी आप लोग ले सकते हो। उसके बाद ये जो लास्ट में है, ये सी ग्रीन है, ये है जी एशले शाइन की, इसका नंबर 21 है, 21 नंबर है इसका, ये लाइट में भी है डार्क में, एक कोट देंगे तो लाइट लगेगी, दो तीन कोट देंगे तो ये डार्क लगेगी, लेकिन इसका जो कलर है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया जी नेल पेंट। अब इसमें से जो मस्ट है वो आपके पास होने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये दो और कलर्स मुझे मिल गए हैं, एक तो है ये देखें, ये शाइन में है, ये मैंने इसी वजह से रखी हुई है क्योंकि अगर आप लोग नेल पेंट लगाते हो, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से ग्लिटर टच देना चाहते हैं, तो ये मैंने गोल्डन कलर का ग्लिटर रखा हुआ है अपने पास, येलो गोल्डन का मिक्सचर है, और इसको अगर आप लगाते हो नेल पेंट के ऊपर तो ये बहुत अच्छी लुक आती है। मैं आपको अभी अपने इस नेल पेंट पे भी लगा के दिखा देती हूँ, और ये भी ग्लैमरस की है, ये भी बहुत अच्छा है, इसका नंबर है 29, ये आप लोग ले सकते हो हर तरह के, स्पेशली रेड कलर के ऊपर, मैंने इसको रेड के साथ ही लिया था ग्लैमरस की, ये इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन में इनको लिया था, अगर आप इसको रेड के ऊपर लगाते हो ना तो बहुत ही प्यारा इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाता है ग्लिटर रेड के ऊपर, ये वाला येलो कलर का बहुत प्यारा लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मैं आपसे बोल रही थी 269 कैलाजोना का, वो भी मुझे मिल चुका है, ये है मेरे पास रखा हुआ था, शुक्र है, क्योंकि मैंने दो ले ली थी, ये वाले मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये कलर 269 का ये है स्वेचेस में से, ये देख लें आप लोग, और मैं आपको अभी ये जो ग्लिटर है ना वो लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी ग्लिटर कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें, अगर आपने पार्टी या वेडिंग फंक्शन पे कहीं जाना है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है,
ये फ़र्क आप लोग खुद देख लो। ये ऐसे सिंपल है, कैजुअल में अगर आप लोग ने नेल पेंट लगाने हैं तो सिंपल लगाएं, अगर वेडिंग पे कहीं जाना है आपको पसंद है ग्लिटर तो आप ये वाला ग्लिटर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा मस्ट है मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा ये देखें, ये कलर और ये कलर ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क है, लेकिन अगर आप इसके दो तीन कोट दोगे तो ये भी डार्क हो जाएगा। उसके बाद ये वाला रिकमेंडेड है, ये वाला रिकमेंडेड है, ये दोनों बहुत प्यारे कलर हैं। रेड तो वैसे भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दिया है, वो आप लोगों ने लाजमी लेना है। उसके बाद ये शॉकिंग पिंक जो मैंने आपको दिखाया था कैलाजाना का, ये है 250। ये जो ब्राइड्स है ना ये उनके लिए रिकमेंडेड है, तो ये आप लोग ले सकते हो ये ब्राइड्स के लिए। उसके बाद ये वाला कलर है, ये मेरा ख्याल है इसका था, ये स्टैमेडोरा का है, ठीक है, ये आप लोग ले सकते हो, ये बहुत प्यारा कलर है। उसके बाद ये सिलिका है, सिलिका जो मैंने आपको दिखाया था 03, ये वो कलर है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी 100% रिकमेंडेड है। उसके बाद ये वाला कलर है जी, ये ब्रांड इसका मिसिंग है, पता नहीं कौन सा है। उसके बाद 66 जो है ना, सॉरी 99 है, पता नहीं अब 66 है, ये इसका नंबर है, ठीक है, ये भी 100% आपको रिकमेंडेड है। ये वाला कलर भी ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए भी ये रिकमेंडेड है, हर तरह के, मतलब कि जो सिंगल गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो वो भी ये लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये ग्लिटर आप लोग ले लो, ग्लिटर भी बहुत अच्छा है, और फिर 269 कलर इसका है कैलासोना का, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये वाले कलर्स जो है ना ये आपके पास लाजमी होने चाहिए, बहुत प्यारे कलर्स हैं, आप ये वाले ले लो। और फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे, यहाँ से आप लोग इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारी नेल पेंट्स रखी हुई हैं, सबके मैंने नंबर्स आप लोगों को बता दिए हैं, और जो मेरी फेवरेट हैं वो भी यही हैं जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड की हैं। तो अपना फीडबैक मुझे आप लोग लाजमी दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और मेरी नेल पेंट्स की कलेक्शन आपको कैसी लगी है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।